ले पाए तेजी में पति चले गए। छपकली आएगी। छपकली सिस्टर है तीनों कजन से ना बस इससे ज्यादा तो यही समझदार है। आप इसी से सवाल मुझे भी आप लोग भी समझदार ज्यादा आई थिंक रन मोरी एंड मैं शौहर होने से डरता हूं। क्या हो सकता है यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजलिस्तान। पजलिस्तान मैं हूं आपकी होस्ट सैयद ज़ैनब। आज हम पहेलियों का पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं आई हूं भैरिया टाउन डांसिंग फाउंटेन। हाँ स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बेटा क्या करते हो? मैं बहुत से टैलेंट्स कर सकती हूँ। टैलेंट्स कर सकती हो जैसे जिमनास्टिक। सीरियस में कर सकती हो? अच्छा, और आप क्या करते हो? मार्शल आर्ट्स। कौन से स्कूल में पढ़ते हो दोनों? मैं बिकिन स्कूल में पढ़ती हूँ, बिकिन स्कूल लेवल स्कूल। और कौन सी क्लास में? 4। आप कौन सी क्लास में? यूरिका स्कूल सिस्टम। आपका क्या नाम है? उस्वा। मैं यूनाइटेड चार्टर स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं ऊपर केजी में पढ़ती हूँ। केजी में पढ़ती चली गई। अच्छा आप लोग बताएं वो कौन सा जानवर है जो अपने सारे काम नाक से करता है? हाथी। हाथी सही है। अच्छा एक और बताइए, इंसान कौन सा काम है जिसके लिए मेहनत बहुत करता है और डरता भी उसी से? हार्ड वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग। कौन से काम से डरता है और वो करता भी है? हाँ मेहनत भी करता है उस काम के लिए, मेहनत भी करता है और डोंट टारगेट और उसे डरता भी है। गैस करें। गैस नहीं हो रहा। बताओ जी। एग्जाम पेपर आते हैं तो डर लगने लग जाता है ना। मेरा ट्यूसडे को है पेपर। इनका पेपर है, चले आपको बेस्ट ऑफ लक। पेपर वो कौन सा काम है जिसके लिए हम मेहनत बहुत करते हैं और डरते भी बहुत है? सफाई के लिए मेहनत बहुत करते हैं और जब वो करीब आती है हम डरते भी बहुत है। सफाई से कैसे डरेंगे? छपकली आएगी। छपकली के लिए मेहनत करोगे? नहीं। मेहनत किसके लिए करोगे? पता नहीं, जॉब के लिए करूँगा। जॉब के लिए मेहनत करोगे? हाँ। फिर जाने से डरोगे? नहीं। ओ, पता नहीं। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अरफात बलोच, उसको सब्सक्राइब कर ले। अरफात बलोच। इनका भी यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। पहली का जवाब तो बता दीजिए। नहीं आता पहली का जवाब। नहीं आता? अच्छा कुछ और आता है? क्या आता है? कुछ भी नहीं। अच्छा क्या करते हो यूट्यूब चैनल पे? क्या करते हो? ऐसे ही व्लॉगिंग डालता हूँ। व्लॉगिंग क्या, रोज़ की? रोज़ की नहीं, कभी कभी डालता हूँ। कभी कभी डालते हो। पहली नहीं आ रही? किसके लिए मेहनत करते हम? पता नहीं किसके लिए मेहनत करते हैं। अच्छा चलो ईजी पूछो, वो कौन सा जानवर है जो सारे काम अपने नाक से करता है? एलिफेंट। एलिफेंट सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके बच्चे? जी ये बच्चे। अच्छा मैं आप लोगों से ना एक पहेली कर रही हूँ, सही है? मुझे बताएं वो कौन सा जानवर है जो सारे काम अपने नाक से करता है? हाथी। कौन सा? हाथी। हाथी सही है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो आप तीनों? स्कूल जाते हैं। मतलब कौन सी क्लास में हो? 5, 4, 5। अच्छा तीनों का नाम तो बताइए मुझे। सादिया। राजिया। सानिया। सिस्टर है तीनों कजन से, नाम सिर से में। अच्छा ठीक है मैं आप लोगों से एक पहेली कर रही हूँ, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जिसके होते हुए हम कुछ खाते पीते नहीं है? क्या वो कौन सी चीज़ है जिसके होते हुए हम कुछ खाते पीते नहीं है? रोज़ा। सही जवाब है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? उमर। उमर भाई ये बताएं जब बारिश होती है तो कौन सी चीज़ ऊपर जाती है? बारिश होती है तो क्या ऊपर जाता है? ऊपर क्या जाएगा? ऊपर गर्मी ऊपर जाएगी। गर्मी ऊपर जाएगी। गर्मी जब बारिश
बारिश होती है तो आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, थोड़ा सा सोच लीजिए। बारिश होगी तो दिया हीट ऊपर जाएगी, लाइट चली गई। बस सही थी, आप बता दीजिए जो भी आ रहे हैं। नहीं मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। बता दूं, अम्ब्रेला। इरफान अख्तर। अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। सही है बेटा, आपका क्या नाम है? मिनाहिल इरफान। आप पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? वन क्लास में। अच्छा मैं आपसे एक पहेली पूछूं, मुझे बताएं, ये बताएं कि वो कौन सा एनिमल है जो अपने सारे काम नाक से करता है, नोज से करता है? को मैं खुद एनिमल क्या कहूँ? आपको जो आ रहा है वो क्या है? वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने नाक से काम करता है, अपने नोज से काम करता है? वो भालू। भालू? भालू करता है? भालू की नोज तो बहुत छोटी होती है। अच्छा कौन से एनिमल की नोज बहुत बड़ी होती है? वो एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट ही सारे काम करता है नाक से। थैंक यू। इंसान के जिस्म में वो कौन सा हिस्सा है बाल और नाखून के अलावा जिसको काटने में दर्द नहीं होता? बाल। बाल और नाखून के अलावा? अच्छा, बाल और नाखून के अलावा दांत। दांत? दांत? मेरे से ज्यादा तो यही समझदार है, आप इसी से सवाल। मुझे भी आप लग रही हो समझदार दादा, आप बताओ। चलो दांत। दांत? दांत टूटता है तो दर्द होता है। दांत से ही मैं निकालती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, स्किन, लाइक स्किन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? शाहजेब। सुहेब। स्टूडेंट है दोनों? जी जी। अच्छा ये बताएं कि वो कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो अच्छा? बेटा करे बुरा? आई थिंक रन मुरीद। रन मुरीद? जी हाँ, रन मुरीद। जी अच्छा सही है, ठीक है, ये ठीक आंसर है। अच्छा चलिए ये बताइए, वो कौन सा काम है जिसके लिए इंसान मेहनत बहुत करता है लेकिन जब वो आता है करीब तो डरता है? मेहनत बहुत करता है, कामयाबी। कामयाबी से कैसे डरेगा, कुछ होगा लेकिन नहीं ना, कुछ कामयाबियाँ ऐसी होती हैं जिससे इंसान हिचकिचाहट महसूस होती है कि नहीं यार ये नहीं। डरते हैं जैसे लोग, उस कामयाबी से लोग डरते हैं? हाँ कामयाबी से डरते हैं ना, कुछ लोग डरते हैं, डरते हैं। तो वो कामयाब होने से डरते हैं। यही आंसर है? यही है, अगर आपको कोई लग रहा तो आप बता दें। आप लोगों की तरफ से यही आंसर है? नहीं ये आंसर नहीं है। ये आंसर नहीं है, बता दें आप। मैं बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? मोहम्मद जुनेद। समेद अहमद। अच्छा ये बताइए कि वो कौन सा काम है जिसके लिए इंसान मेहनत करता है लेकिन जब वो आता है तो डरता है? मेहनत, कामयाबी। कामयाबी? कामयाबी से कैसे डरेगा कोई? पैसों से डरेगा? पैसों के मसाइल से डरेगा? पैसों के मसाइल से डरेगा लेकिन वो उसके लिए मेहनत क्यों करेगा? उसकी भी मजबूरी है, मेहनत जैसे काम, मेहनत जो होती है मेहनत। शायद मशहूर होने से डरता हो। मशहूर होने से डरता हो? मशहूर। मशहूर होने से डरेगा? नहीं नहीं नहीं, इसका तो पता नहीं। नो आंसर। ठीक है बता दें। एग्जाम पेपर। क्या नाम है बेटा? शेरियार। शेरियार पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? फोर में। अच्छा शेरियाल मुझे बताएं, इंसान को स्टाइलिश दिखने के लिए क्या करना चाहिए? स्टाइल में खड़े होने और मोबाइल देखने, स्टाइल मोबाइल देख, आईफोन जाए आपके साथ जाए, कोई मोबाइल। आईफोन? आईफोन लेके स्टाइल मारेंगे फिर? कैसे कैसे स्टाइल मारेंगे? स्टाइलिश दिखेगा ऐसे इंसान? इंसान कैसे मतलब? ऐसे स्टाइलिश दिखेगा फिर इंसान? जी इंसान। और क्या करना चाहिए? और बस अपने खूबसूरत बनना चाहिए। खूबसूरत? जी। खूबसूरत इंसान स्टाइलिश होता है? जी बहुत स्टाइल। जो खूबसूरत नहीं होता वो कचट होता है, गंदा होता है। गंदा होता है? गंदा तो कोई नहीं होता। होता है? नहीं। अच्छा ये मुझे बताओ, जब बारिश आती है तो क्या ऊपर जाता है? ऊपर कोई कुछ नहीं जाता है,
कुछ नीचे जाता है, बारिश नीचे आता है, बारिश नीचे आती है फिर कुछ ऊपर जाता है, कुछ कुछ कोई नहीं कुछ नहीं जाता है, सोच लो कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता, कुछ तो जाता है जी, बताओ पहले क्या बताओ क्या जाता है क्या नाम है भाई आपका? मुजफ्फर नाम है। अच्छा मुजफ्फर भाई मुझे बताएं कि वो कौन है जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह सर झुका के बैठता है? जिससे दुनिया का बड़े से मतलब बड़ा वो कौन है जो बादशाह भी हो कितना भी कोई भी हो वो सर झुका के बैठेगा उसके आगे? उसके आगे सर झुका के बैठेगा अल्लाह। अल्लाह के आगे तो बैठते हैं ही सर सर झुका के, लेकिन वो तो हम सजदा करते हैं। हाँ। मैं बोलूँ उसके आगे सर झुका के बैठेगा इंसान ही है। अच्छा इंसान ही है, उसके आगे सर झुका के बैठेगा नाई। नहीं सही है, आपको मैंने हेल्प कर दी इसमें, मैं हाँ। करती रही हूँ। अच्छा ठीक है ये बताइए कि जब बारिश होती है कौन सी चीज़ ऊपर जाती है? बारिश होती है तो कौन सी चीज़ ऊपर जाती है? कौन सी चीज़ ऊपर जाती है क्या हो सकता है यार, इसका नहीं पता। नहीं पता, गैस कर दो। क्या चीज़ ऊपर जाती है बारिश होने से? बारिश होने से पानी नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर क्या जा रहा है? पानी नीचे आ रहा है फिर ऊपर क्या जा रहा है? ऊपर तो कुछ नहीं जा रहा, जा रहा है क्या जा रहा है फिर? रहने को छतरी अम्ब्रेला। सही है, थैंक यू भाई। आपको आप बता दीजिए आपको यूट्यूब चैनल है? तो मुजफ्फर डेली डोज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप ब्लॉगिंग करते हैं या? ब्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा ठीक है जी, सही है, थैंक यू भाई। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Pakistan, 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 Pakistan.